गाइज अगर आप लोग भी अपने YouTube चैनल का जीमेल आईडी भूल गए हैं और आप लोग उसी चैनल के नेम से चाहते हो कि मैं उस चैनल का जीमेल आईडी को निकालूं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो स्टेप, सिर्फ दो स्टेप से आप लोग किसी भूले हुए जीमेल आईडी को जो है किसी भूले हुए चैनल की जीमेल आईडी को आप लोग निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं दो स्टेप जो आपको बताऊंगा, नंबर वन स्टेप में होगा कि जब आप लोग चैनल बनाए होंगे तो उसमें एक इन्फो का ऑप्शन होता है, आप लोग उसी वक्त अपने चैनल का जीमेल आईडी को ऐड कर दीजिए ताकि आपको जैसे उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको वहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। नंबर टू में आपको मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको दो ये स्टेप पता है तो आप लोग किसी भी भूले हुए चैनल की जीमेल आईडी को निकाल सकते हो। तो गाइज आप लोग के लिए कमाल की खुफिया ट्रिक्स है जो आप लोग को कोई भी नहीं बता सकता है। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम ब्राउजर से। तो आपको मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह का ब्राउजर का आइकन दिखेगा, अगेन इस पर क्लिक करिएगा। अब मैं जैसे क्लिक किया आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं YouTube। अगेन आप लोग YouTube बोले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको ऊपर में एक सर्च का सेक्शन मिलता है, अगेन इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस सेक्शन पर उस चैनल का नेम सर्च करना है जिसका आप लोग जीमेल आईडी को भूले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ का एक चैनल का नेम सर्च करता हूँ, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी और सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी मैं लिखता हूँ, टेक्निकल गुरुजी, और आपको यहाँ पे एक सर्च का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका उस चैनल का जो डिटेल है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। गाइस जैसे अबाउट सेक्शन पर आएंगे तो आपको व्यूअर ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आई रिपोर्ट करने का, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ फाइनली आपका जीमेल आईडी दिख जाएगा। आप लोग इस जीमेल आईडी को लॉगिन करके अपने चैनल को वापस ला सकते हैं। देखिएगा अगेन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक लोगो का आइकन दिखेगा राइट में, अगेन इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास गूगल का एक सेक्शन मिलता है, ठीक है। गूगल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चेकिंग इन्फो कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉरगेट, अगेन फॉरगेट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले नेम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको अगेन इस पर मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है, जो आप लोग पता करना चाहते हैं अपने जीमेल आईडी को। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए। चलिए मैं मोबाइल नंबर को एंटर कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ऊपर में नेम आपको डालना है अपना, नेम अगेन लास्ट नेम और सर्च। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, दिस मे टेक फॉर मोमेंट, और थोड़ा सा यहाँ पे वक्त लगेंगे। टेक डाउन श्योर टेल टू टाइपिंग साइनिंग कर रहा है। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जीमेल बने हुए हैं और आप लोग इस जीमेल को पता कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये दो हिडन सीक्रेट से आप लोग का भूले हुए जीमेल आईडी को पता कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।